जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सारे दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक हो। सो तो मेरी तरफ सब दोस्तों नू बहुत 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 ईद मुबारक हो। और ईद का खुतबा हो रहा है, 10 मिनट रह गए हैं, 6:10 पे ईद होनी है। तो चलते हैं, चल के ईद की नमाज अदा करते हैं। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, देखें यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं जी, सेल्फियाँ वगैरह बना रहे हैं। परदेसियों की यही ईद होती है, तो इसी तरह टाइम गुजारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा हो रहा है और ईद की नमाज अदा करते हैं, मिलते हैं इसके बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद की नमाज अदा हो गई है, तो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखें ये है जी परदेस की लाइफ, परदेस की ज़िंदगी। बस अब ईद पढ़ ली है, रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद पढ़ के आ गया, खाना शाना खाया, चाय पी रहे हैं। चाय पी के ते सो जसा, परदेसियाँ दीदी है कुछ आँदी, फिर मिलते हैं उठते हैं। तो अभी जा रहा हूँ जी बाहर, रूम में बैठ बैठ के बोर हो रहा था, तो मैंने चलो अभी चलते हैं, वैसे भी बाहर जाना है, चल के अपने दोस्तों से मिलते हैं और अपना जो है टाइम वो गुजारते हैं। तो अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। जल्दी बुका यारा। क्या बना रहे हो शादी? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम आ चुके हैं अलबरछा में, एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद है, और यहाँ पे अभी हम जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज जो है वो अदा हो गई है। कमर भाई, हल इफ्तिखार भाई सब ने जुम्मे की नमाज अदा कर ली है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी मस्जिद है। और अभी हम पहुंच चुके हैं जी मॉल ऑफ द एमरेस, बहुत ही बिजी है, आज ईद का दिन है और बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं माशाल्लाह, और एमरस मॉल के अंदर ही ये देखें ना, बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत ही जैसे मरी में या स्नो पड़ रही है बर्फ़, उस तरह का माशाल्लाह सीन है अंदर। और यहाँ पे अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, तो इसके बाद हम जाएंगे वसीम भाई के रूम में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जी वसीम भाई के रूम में, दोस्तों से गपशप हो रही है, परदेस की जो ईद है वो इंजॉय हो रही है। तो यही है जी।